दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड से अपने राशन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, सारी चीजें आप जान सकते हैं अपने राशन कार्ड में सिर्फ अपने आधार कार्ड से। दोस्तों ये आप अपने मोबाइल से अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहूंगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों आज आपके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटे का ऑप्शन दिख रहा है उसका ऑल प्रेस जरूर कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड से राशन कार्ड की पूरी डिटेल कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों ये आप सभी राज्यों के लिए निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार, यूपी, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, किसी भी राज्य में आप रहते हैं निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जिस भी राज्य की निकालनी है आप उसके आगे जैसे RCMS लिखना है आपको उसके आगे बिहार टाइप कर दीजिएगा, यूपी की निकालनी है तो यूपी टाइप कर दीजिएगा, पंजाब की निकालनी है तो पंजाब की टाइप कर दीजिएगा, और झारखंड की निकालनी है मतलब किसी भी राज्य की निकालनी है उसके आगे टाइप कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में आपको पंजाब की बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, इस वेबसाइट से आप अपने राशन कार्ड की पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राशन कार्ड, यहाँ पे देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राशन कार्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिखाई देगा नो योर राशन कार्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से आपसे कैप्चर फिल करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे आपको अपना कैप्चर फिल कर लेना है। मैंने कैप्चर फिल कर लिया, उसके बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, आप अपना यहाँ पे आधार नंबर टाइप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे चलिए दोस्तों अपना आधार नंबर टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर टाइप कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रिपोर्ट नेम, तो यहाँ पे और रिपोर्ट नेम में ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है, आपको सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है व्यू रिपोर्ट, आपको व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपके राशन कार्ड की पूरी डिटेल आ गई है, यहाँ पे देखिए राशन कार्ड स्टेटस दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ पे देखिए आपका राशन कार्ड नंबर दिखाई दे रहा है, वेरीफाइड बता रहा है किस फैमिली के हेड कौन से हैं वो बता रहा है, यहाँ पे देखिए मेंबर आपके बता रहा है जितने भी आपके घर के मेंबर हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों मेंबर आईडी बता रहा है, मेल फीमेल बता रहा है, यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर बता रहा है। दोस्तों ऐसे आप अपने पूरी डिटेल निकाल सकते हैं, आधार कार्ड से पूरी राशन कार्ड की डिटेल निकल जाएगी। दोस्तों ऐसे आप निकाल सकते हैं। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।